गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर 6। ठीक है, हमने 6.2 के 5 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए, तब तक सभी बच्चे जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। 6.2 आपको दिया हुआ है, एक आकृति दी हुई है, मैथ में देख लीजिए सभी बच्चे। आकृति दी हुई है 6.21 में, कर्मस ओपीओ क्या, ओपीओ क्या, ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी जो है वो समांतर है पी क्या के, ये जो आपका ए और बी है वो समांतर है ए और बी, ये वाला ए बी समांतर है, ए बी समांतर है पी क्या के, ये वाली जो लाइन है ना वो इसके समांतर है, ये वाली लाइन इसके समांतर है, और ए सी समांतर है पी आर के। हमें बताना है कि ये बी सी जो है वो भी क्या आर के समांतर है या नहीं है। आपने थेल्सप्री में की थी, अगर हमें कोई चीज़ समांतर दर्शानी होती है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको ये लाइन है ना, ये लाइन इसके समांतर दर्शानी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो है ना अनुपात जो होता है ना, जैसे ए बी बटे बी क्या हो, ए बी बटे बी क्या ले लेंगे, क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि आप ऐसे ले सकते हो ना अनुपात में, ए बी बटे बी क्या हो और ए सी बटे सी आर, अगर ये सारी चीज़ें अनुपात में बराबर आ जाती है तो बी सी भी किसके बराबर आ जाएगा, समांतर हो जाएगा क्या हुआ आर के। तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो हमें दिया हुआ है हम उसी को लेके चलते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमें दी हुई है हम क्या करते हैं उसको लेके चलते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, ये फिगर दी हुई है, आप एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये है P, ये क्या हूँ और ये R है, ये है A B और ये C, ये है O। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि आपको बी सी जो है वो समांतर बतानी है। सबसे पहले तो आप दिया लिखो, दिया क्या आपको, दिया दिया है A B जो है वो समांतर है P क्या के और A C समांतर है P R के। ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ है। उसके बाद सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि बी सी समांतर है क्या हुँ? आर के, ये है, ये सिद्ध करना है। अब हम प्रमाण करेंगे। ठीक है, देखिए जो ए बी समांतर है, ये वाली जो है ये समांतर है इसके, अगर ये वाली भुजा इसके समांतर होगी तो देखो आप इसको एक बार ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, अगर ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये दोनों लाइनें अगर समांतर है तो इनका जो अनुपात है वो भी तो बराबर होगा ना, जैसे ओ ए, ओ ए बटे में ए पी, ओ बी बटे में बी क्या हो, ये क्या हो जाएगा बराबर होगा। तो हम त्रिभुज भी यही लेंगे, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ओ पी क्या में, ओ पी क्या में, त्रिभुज ओ पी क्या में क्या है, ए बी जो है वो समांतर है किसके, पी क्या के, अगर ए बी समांतर है पी क्या के तो ओ ए, ओ ए बटे में, देखो ओ ए ले लो चाहे पी ए ले लो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, तो ओ पी ए ले लो, ओ ए बटे में पी ए हो जाएगा और ये यहाँ क्या हो जाएगा, ओ बी बटे में बी क्या हो, ओ बी बटे में बी क्या हो। ठीक है, ये तो आ जाएगी आपके थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय का रूल यही कहता है कि अगर समांतर होती है तो ये अनुपात क्या आता है, बराबर आता है थेल्स प्रमेय द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे दूसरी त्रिभुज। अब हमारी त्रिभुज, उसने क्या कहा, त्रिभुज ए, त्रिभुज ओ पी आर में, ओ पी आर में, ओ पी आर में देखो इसने क्या बोला कि ये जो ए सी है वो किसके समांतर है, पी आर के, ए सी समांतर है पी आर के, अगर ये समांतर है तो ये भी तो बराबर हो जाएगी, ओ ए बटे ए पी हो जाएगा, ओ ए बटे पी ए किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी बटे में सी आर के। ये थेल्स प्रमेय द्वारा सेकंड आ गई। ये सेकंड,
ये फर्स्ट। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, अब देखिए ये दोनों चीजें क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों चीजें बराबर है तो ये दोनों चीजें भी बराबर हो जाएंगी। तो मैं लिख सकती हूँ ओ बी बटे बी क्या हूँ, बराबर है ओ सी बटे सी आर। ठीक है, अब देखिए ये देखिए ओ सी बटे सी आर आ गया और ओ बी बटे बी क्या हुआ, आ गया ना। देखो ओ बी बटे बी क्या हुआ, तो अगर ये अनुपात बराबर है तो बी सी किसके समांतर हो जाएगी, क्या हुआ आर के, ऑटोमेटिक हो जाएगी थेल्स प्रमेय के विलोम के द्वारा। अतः बी सी समांतर है किसके, क्या हुआ आर के, क्यों, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है कि अगर आपको ये चीज दी हुई है और आपको समांतर लेके आना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि परिमेय जो 6.1 है उसमें उसका प्रयोग करते हुए 6.1 वाली कौन सी प्रमेय थी, वो थी आपकी थेल्स प्रमेय। उसका प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसने क्या बोला कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये एक त्रिभुज है, इसने ये बोला कि एक भुजा से के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली भुजा तीसरी भुजा को भी मध्य बिंदु पर ही काट के, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। जैसे कि हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी सी, और ये हो गया हमारे पास डी और ये हो गया ई। अब आपको ये बताना कि ये भी इसको इसी अनुपात में काटती है, समान अनुपात में, मतलब ए ई किसके बराबर आना चाहिए, मेरा ए ए ई किसके बराबर आना चाहिए, ई सी के। तो कैसे सिद्ध करेंगे हम, ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे, आप देखिए इसका मतलब मुझे इसने ये तो बोल दिया कि ये तो मध्य बिंदु से होकर जाती है, ये मध्य बिंदु से होकर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मुझे ये वाली चीज तो हमें बराबर दी हुई है कि AD जो है BD के बराबर है, अब मुझे बताना है AE भी बराबर होगा क्या EC के। ठीक है, अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे, क्योंकि उसने ये बोला है ना कि देखो एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाती है, लेकिन वो दूसरी भुजा के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाती है, मतलब ये तो यहाँ से तो बीचों बीच होकर जा रही है और इस भुजा के समांतर जा रही है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि क्या ये इसके भी मध्य बिंदु पर है। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो गया दिमाग से। देखो क्या दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, आपको क्या दिया हुआ है, दिया क्या है, दिया है ये इसके मध्य बिंदु है, तो ए डी बराबर है किसके, बी डी के। ठीक है, और डी ई समांतर है बी सी के, डी ई समांतर है बी सी के। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है अगर ये बिल्कुल इसके बीचों बीच जा रही है तो मुझे बताना है कि ए ई बराबर है ई सी के, ए ई बराबर है ई सी के। प्रमाण, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अगर ये डी ई समांतर है बी सी के, अगर डी ई समांतर है बी सी के तो हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे, ए डी बटे बी डी बराबर है ए ई बटे ई सी, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय द्वारा, ठीक है, अब ए डी बटे बी डी और ए ई बटे ई सी, आपको दिया में क्या दिया हुआ था कि ए डी किसके बराबर है, बी डी के। तो यहां रख सकते हैं हम ए डी और बी डी दोनों बराबर है, तो मैं ए डी की जगह पर बी डी रख दूं, ए डी और ए डी, ठीक है, आप लिख दोगे यहाँ ए डी बराबर है बी डी के, ये आपको दिया है। तो ये हो गया, और यहाँ क्या है ए ई बटे ई सी, ये कट गया, एक आ गया, तो ए ई बटे ई सी, अब इन दोनों को बराबर रख दो तो ए ई बराबर हो जाएगा ई सी के, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, हैंस प्रूव कर दो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 उसमें क्या दिया हुआ है कि 6.2 थी, 6.2 प्रमेय कौन सी थी, हमें पैर समांतर दिया होता था और हमें क्या सिद्ध करना होता था, ये अनुपात बताना होता था, ये वाला अनुपात विलोम है ये थेल्स प्रमेय का, उल्टा होता था।
तो सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। आपको ये बताना है। देखिए हमें 6.2 का प्रयोग करना है। इसने ये बोला कि एक कोई तीस कोई भुजा है वो मध्य बिंदु से होकर तो जाती है इनके, आपको ये बताना है। ये ए है, ये बी और ये सी और ये डी, ये मध्य बिंदु से होकर तो जा रही है बिल्कुल बीचों बीच। आपको ये बताना है कि क्या ये इसके समांतर भी है, क्या ये इसके समांतर है, ये बताना है। मैंने आपको बताया था कि जब कोई भुजा थेल्स प्रमेय में होती है, ठीक है, चाहे तो आप अगर समांतर होगी तो क्या लोगे, ये वाली चीज़ हो जाएगी। अगर समांतर है तो थेल्स प्रमेय लगेगी, और अगर समांतर नहीं है तो क्या लगेगी हमारी, ये वाली ए डी बटे बी डी और ए ई बटे ई सी, तो वो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, यही बताया था। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 8। तो देखिए क्या दिया हुआ हमें, हमें क्या दिया हुआ है कि डी जो है, दिया में क्या है, डी, ये डी और ई, डी किसका मध्य बिंदु, डी ए बी का तथा ई ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, अगर डी ए बी का मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी ए डी बराबर हो जाएगा डी बी के। और अगर मैं डी बी को नीचे ले आऊं तो ये एक रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो आ जाएगी हमारी पहली समीकरण। दूसरी में क्या बोला, ई जो है वो मध्य बिंदु है, तो ए ई बराबर ई सी हो जाएगा, ए ई बराबर ई सी के। ठीक है, तो ए ई और ई सी को नीचे ले आओ तो किसके बराबर हो जाएगा, ए के। ये होगी समीकरण सेकंड। अब इन दोनों समीकरण को अगर मैं सोल्व करूं, भाई एक है दोनों में बराबर, तो समीकरण एक व दो से तो क्या हो जाएगा, ए डी बटे में डी बी किसके बराबर हो जाएगा, ए ई बटे में ई सी के। देखो ये चीज इसके बराबर आ जाएगी, अतः 6.2 प्रमेय क्या कहती है, 6.2 प्रमेय में यही तो है कि अगर ये चीज अनुपात में बराबर आती है तो अपने आप ही वो तीसरी जो पूजा है वो क्या हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी। अतः प्रमेय 6.2 के अनुसार ये जो डी ई है वो किसके समांतर आ जाएगा, बी सी के। ठीक है, हो गया क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी जो है वो समांतर है डी सी के, तथा इसके विकर्ण जो है वो परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, देखिए समलंब है, ये समलंब ऐसे बनता है। ठीक है, इसके जो विकर्ण है वो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये ओ बिंदु आ गया, ठीक है, मेरे से थोड़ा गलत हो गया लेकिन तुम बिल्कुल सही बनाना, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा, प्रतिच्छेद करते हैं, तो ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ सिद्ध करना है मुझे, सिद्ध करना है मुझे ए ओ बटे बी ओ बराबर है ए ओ बटे बी ओ और सी ओ बटे ओ डी। ठीक है, ठीक है, अब मुझे ना इसके अंदर थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे क्या करनी पड़ेगी, रचना वो क्या कहते हैं, रचना में मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई भी लाइन एक खींचनी पड़ेगी, ओ यहाँ से ऐसे, ठीक है, जो ओ ई, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगी, ओ से जाती हुई ओ ई वो किसके समांतर है, सी डी के। ये वाली जो लाइन है ये किसके समांतर है, सी डी के। ठीक है, अगर ये समांतर है, अतः अब मेरी एक त्रिभुज बन गई, कौन सी, ए डी सी। ठीक है, अतः त्रिभुज ए डी सी में, अतः त्रिभुज ए डी सी में, अब मैं प्रमाण कर रही हूँ यहाँ पर,
त्रिभुज एडीसी में। अब त्रिभुज एडीसी बन गई, देखो इसमें क्या होगा कि अगर ये समांतर है, आप यहाँ लिख सकते हो अगर ई ओ समांतर है डी सी के, तो कैसे लिख सकते हो, ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी और ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटे ओ सी, ये भी तो क्या हो जाएगा थेल्स प्रमेय के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दिया होगा, ये हो गया क्लियर। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, अगर ए बी, अब दूसरा रीजन ले लेते हैं, अगर ए बी, ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, ठीक है, ए बी जो है समांतर है सी डी के, ए बी भी समांतर है, उसमें दिया हुआ है ए बी सी डी के, ये तो उसने दिया है, और हमने ये हमने निकाल ही लिया कि सी डी किसके समांतर है, ई डी के, ये हमने रचना की थी, रचना द्वारा लिख दो, रचना द्वारा, और ई ओ, ई ओ, ई ओ जो है ये क्या था, ई डी, ई और ई डी, सी डी समांतर ई ओ आना है, ई ओ, ठीक है, ई ओ आएगा ये, देखो ठीक है। अब सी डी समांतर है, ए बी समांतर है सी डी के, देखो ए बी जो है ना वो समांतर है सी डी के, ये आपको दिया हुआ है, और हमने अभी रचना से क्या किया था, ई ओ समांतर है सी डी के, अगर ये वाली भुजा इसके समांतर है तो ये वाली भुजा इसके भी समांतर हो जाएगी ना, ठीक है, तो अतः इन दोनों से ही, अतः इन दोनों से ही ए बी किसके समांतर हो जाएगा, ई ओ के भी समांतर हो जाएगा, ई ओ के भी समांतर हो जाएगा। अगर ये ई ओ के भी समांतर हो जाएगा, तो अगर मैं ये त्रिभुज लूँ, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में अगर ए बी समांतर है ई ओ की, ठीक है, तो क्या लेंगे हम, वही ए ई बटे ई डी हो जाएगा, ए ई बटे ई डी किसके बराबर हो जाएगा, बी ओ बटे में ओ डी के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा ना, बी ओ बटे में ओ डी के, ठीक है, क्लियर है, ये हो जाएगा हमारा बी ओ बटे में ओ डी के। और हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध देखो क्या करना है आपको, ये हो गया हमारी सेकंड समीकरण। अब देखो पहली समीकरण तो मेरी ये थी, देखो पहली समीकरण मेरी ये वाली थी, ए ई बटे ई डी और ए ओ बटे में ओ सी, पहली समीकरण तो मेरी ये थी, और सेकंड समीकरण मेरी ये आ गई, तो मैं क्या कहूँगी, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक और दो से, देखो ए ई बटे ई डी यहाँ पर भी है और ए ई बटे ई डी यहाँ पर भी है, तो दोनों को मैं क्या कर देती हूँ, बराबर कर देती हूँ दोनों को, इन दोनों को अगर बराबर करूँ तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, तो ए ओ बटे ओ सी किसके बराबर आ जाएगा, बी ओ बटे में ओ डी के, तो यही तो हमें सिद्ध करना था, यही हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूफ आ गया, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था कि ए ओ बटे बी ओ आए और सी ओ बटे में ओ डी आए, तो ये आ गया मेरा, ठीक है। अब देखो मेरा तो आया है ए ओ बटे में ओ सी, और आपको सिद्ध क्या करना था, ए ओ बटे में बी ओ, तो मुझे प्रूफ क्या करना था, आ क्या गया, तो कैसे करेंगे, सिर्फ इतना ही तो अंतर है, इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, तो ए ओ बटे में ये नीचे ले आते हैं ओ बी, और ये ओ सी को ऊपर ले जाते हैं ओ सी बटे में ओ डी, ये हमें प्रूफ करना है, हैंस प्रूफ आ गया, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर टेंथ में क्या दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, जिसमें ए बी जो है वो समांतर है किसके, बी सी के, डी सी के, ठीक है, वही समलंब दिया हुआ है, सेम ऐसा ही फिगर आपको बनाना है जैसे आपने पहले बनाया था, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये आपका सी और ये डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद उसने क्या बोला, इसके विकर्ण बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये ओ पर प्रतिच्छेद कर दिया, आपको क्या करना है, प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे में बी ओ, और आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिया है, दिया है ए ओ
बटे में बी ओ और सी ओ बटे डी ओ। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, आपको बताना है, दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलम है, आपको बताना है, दर्शाइए, सिद्ध करना, सिद्ध करना कि ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए, पहले तो हमें ये चीज लेके आनी थी, लेकिन अब हमें क्या करना है, उल्टा करना है। ठीक है, अब हमें ये चीज दी हुई है और हमें ये चीज निकालनी है। पहले हमें ये चीज दी हुई होती थी और हमें ये निकालनी थी। ठीक है, अब हमें उल्टा दे दिया, अब देखो कैसे करेंगे। प्रमाण, ठीक है, प्रमाण, प्रमाण में करने से पहले मैं क्या करूंगी, प्रमाण है, और अगर आपको ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज दी हुई है, समलंब चतुर्भुज हमें ये निकालनी है, आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमें ये समलंब चतुर्भुज निकालनी है तो इसका मतलब क्या होता है, समलंब चतुर्भुज तब होती है जब ए बी क्या होता है, समांतर होता है सी डी के। यही वाली बात थी ना 9वें क्वेश्चन में, ए बी जो है वो समांतर है डी सी के। ठीक है, यही चीज थी ना पहले, तभी वो एक समलंब थी। तो इसका मतलब मुझे क्या बताना है कि ए बी समांतर है डी सी के, ये चीज मुझे बतानी है। ठीक है, उससे पहले प्रमाण करने से पहले मुझे एक रचना लिखनी पड़ेगी। रचना, रचना क्या करनी है कि ओ से मैंने कोई ऐसे ई कोई लाइन खींच दी, ओ से ई रेखा खींची। ठीक है, जो ओ ई किसके समांतर है, सी डी के। ये ओ ई किसके समांतर है, सी डी के। अगर ये ओ ई समांतर है सी डी के तो मैं क्या ले लूंगी, तो मेरा क्या हो जाएगा, बी ओ बटे ओ डी हो जाएगा। बी ओ बटे ओ डी किसके बराबर हो जाएगा, बी ई बटे ई सी के। बी ई बटे ई सी के किसके थे, स्प्रे में से। ठीक है, कौन सी चतुर्भुज में, बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, जब ये समांतर होती है ना तो अपने आप ही थेल्स प्रेमा का प्रयोग तो आप अपने आप ही लगा दिया करो, अगर ये समांतर है तो अपने आप थेल्स प्रेमा तो लगनी ही लगनी है, बी ओ बटे ओ डी और बी ई बटे में ई सी, ये तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये तो आंख बंद करके आप लगा ही दो। और आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया ये है, दिया क्या है, ए ओ बटे में बी ओ बराबर है सी ओ बटे में ओ डी, ये आपको दिया है। ठीक है, तो आगे देखो क्या करना है, ठीक है, अब देखो ये दिया हुआ, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, ए ओ ये नीचे ले आती हूँ सी ओ और बी ओ को ऊपर ले जाती हूँ, तो बी ओ बटे में डी ओ। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन तो मेरी ये थी, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये थी और सेकंड ये आ गई, तो फर्स्ट और इक्वेशन को सोल्व करती हूँ। देखो फर्स्ट में क्या था, बी ओ बटे में ओ डी था ना, और यहाँ पर भी बी ओ बटे में ओ डी आ रहा है, तो ये दोनों भी तो बराबर हो जाएंगे ना, बी ई बटे में ई सी हो जाएगा, बी ई बटे ई सी किसके बराबर आ जाएगा, ए ओ बटे में सी ओ के बराबर आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर है, देखो अगर बी क्या दिया हुआ आपको, बी सी बटे ई सी, बी बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी आ गया। ठीक है, और बी ओ बटे में ओ डी आ गया। ठीक है, ये आ गया बी ई बटे ई सी और मेरा आया है ए ओ बटे में ओ डी। ठीक है, तो देखो बी ई बटे ई सी और ए ओ बटे में ओ डी, नहीं 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 ये तो गलत ले लिया भी मैंने, बी ई बटे ई सी और बी ई बटे ई सी आ गया और ए ओ बटे ओ सी आ रहा है। ठीक है, बी ई बटे ई सी और ए ओ बटे ओ सी, ये वाली लाइन आ गई। ठीक है, अगर देखो अगर बी ई बटे ई सी और ए ओ बटे ओ सी आया तो इसका मतलब क्या है, ए बी किसके समांतर है, ओ ई के,
ए बी किसके समांतर आ गया, ओ ई के, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, अगर ये बराबर आ गया आपको देखो क्या बताना है कि ए बी समांतर है डी सी के, ठीक है ये बताना है आपको। ये रचना द्वारा मिल गया था, ओ ई समांतर है सी डी के, ओ ई समांतर है सी डी के, ये रचना से मिला था। ठीक है, अब देखो ए ओई ओई दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो ओ ए बी जो है ओई के भी समांतर है, और ओई किसके पर समांतर है सी डी के, ठीक है मतलब ओ ई इसके भी समांतर है इसके भी समांतर है, तो ए अगर ये दोनों ओई के समांतर है तो ए बी समांतर सी डी के भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देना ये थर्ड है और ये फोर्थ है समीकरण, थर्ड व फोर्थ से। अगर ओ इन दोनों से समांतर है तो ए बी किसके समांतर हो जाएगा सी डी के, यही हमें सिद्ध करना था। अतः ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है, हो गया क्लियर। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।